ये सब सफेद विफेद का चक्कर छोड़ो, सीधा काले पर आओ। और वो भी अगर नहीं करना, मैं तो बोलता हूं अल्लाह ताला ने 10 ऑप्शन रखे हैं, ऊंट ऊंटनी, मेंढा मेंढी, बकरा बकरी, और साथ में क्या है, गाय और बैल और भैंस और भैंसा। अल्लाह को पहले से मालूम था ये सब हालात आने वाले, इसलिए अब तुम बकरे और मेंढे पर आ जाओ। और जो चीज अल्लाह तबारक व तआला का जाप्ता है, जो चीज ज्यादा खाई जाती है, अल्लाह उसमें बरकत दे देता है, उसको सस्ता कर देता है। जैसे तुम्हारी पोल्ट्री की मुर्गी पहले थी चली, खाने लग गए तो पोल्ट्रियां बन गई और सस्ती भी हो गई। हम बकरे मेंढों पर आए और खुद पाले, हाँ हम खुद पाले, काय को जबरदस्ती अपनी इज्जत को दांव पे लगाने का और इसी तरह अपनी जान को दांव पे लगाने का, किस कौन से अल्लाह ने सिखाया। अरे जहर को छोड़ देते हैं, अरे जहर समझ के थोड़े दिन के लिए छोड़ देने का, वो तो हम मुसलमान समझते नहीं है। वरना ये सबसे पहले 70-80 साल पहले जब लगी थी आवाज नागपुर से, इसको फॉलो किया था यूपी बिहार में, तो उस वक्त मौलाना हसन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, 3 महीना खाली तुम ये खाना बंद कर दो, मैं वादा करता हूं नेहरू लगाम पकड़ के, नकील पकड़ के गाय तुम्हारे दरवाजे पर लाएगा। हम नहीं समझते, हमको समझना चाहिए कि दुआ भी मांगे। बाज लोग कहते हैं ऐसे हालात में, अरे हमने तो यहां पिंपरी चिंचोड़ में डायरेक्ट लाके काटा और ये किया वो किया, भाई तुमको तुम्हारा मुबारक। हम अपनी एहतियात से रहे, हर नगमा हर सांस पे गाया नहीं जाता। कुछ लोग लाके टेरिस के ऊपर करते हैं और उसके वीडियो वायरल होते हैं, बड़े का जानवर टेरिस के ऊपर, काय को कर रहे हैं ये सब चीजें, सबके लिए मुसीबत, इस्लाम के लिए बदनाम, क्यों करना भाई ये सब। हाँ जहां पर है उनकी अपनी आबादी और जहां वो लोग करते हैं, जिन सूबों में या जिन ताल्लुकों में या जिन शहरों में वो करते हैं, उनका उनको मुबारक। हर नगमा हर सांस पे गाया नहीं जाता, वहां की नकल यहां पर नहीं कर सकते, इसलिए यहां एहतियात वाली जिंदगी गुजारे।